Friends, welcome to my YouTube channel. In this section, we will discuss about color CRT monitor. और color CRT monitor में आज हम discuss करेंगे beam penetration and shadow mask. First हम discuss करेंगे beam penetration क्या होता है. तो जो beam penetration होती है, इसमें हमारे पास हमारी जो phosphor screen होती है, वो दो phosphor से मिलके बनी होती है. एक को हम inner कहते हैं, इनर फास्फोर, ठीक है, और एक को हम कहते हैं आउटर. ठीक है, एक को हम इनर कहते हैं और एक को हम कहते हैं आउटर. तो ये वाली जो हमारे पास आता है, इस फास्फोर स्क्रीन पे हमारे पास ग्रीन कलर के पिक्सल होते हैं और इस पे हमारे पास आउटर वाली पे रेड कलर के होते हैं. हम इनको उल्टा पढ़ते हैं, हम इसको आउटर पढ़ते हैं, इसको इनर पढ़ते हैं. अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास यहाँ पे होती हुई, हमारे पास यहाँ इस पे जो हमारे पास यहाँ जो फास्फोर की जो आउटर जो स्क्रीन है उस पे हमारे पास क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी. ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो रेड कलर वाला वाले पिक्सल्स है उस पे से जो हमारे पास ये रेड कलर के पिक्सल ग्लो करेंगे. हमने अपनी इंटेंसिटी को इतना मतलब कंट्रोल करके रखा होता है कि हमारे पास कम होती है हमारी इंटेंसिटी, तो हमारे पास सिर्फ हमारी इंटेंसिटी यहाँ तक ही पहुँच पाती है, आगे नहीं जाती. ठीक है, लेकिन अगर जो हम अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो ये लाइट जो इमिट हो रही है, इसको बीम हमारे पास इसको पेनिट्रेट करते हुए हमारे पास ग्रीन कलर वाली जो हमारे पास ये है स्क्रीन है इसके ऊपर पहुंच जाती है और इस पे जो हमारे पास पिक्सल होते हैं उनको ग्लो करवाती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास बीम जो हमारी होती है वो पिक्सल को पेनिट्रेट करते हुए दूसरे पिक्सल को ग्लो करवाती है. तो इसको हम इसीलिए हम बीम पेनिट्रेशन मेथड कहते हैं. और इसमें हमारे पास जो रेड कलर और ग्रीन कलर है, हम इनकी इंटेंसिटी को डिफरेंट टाइप से अरेंज करके हम डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं. रेड और ग्रीन के मिक्सचर से हम येलो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं और भी डिफरेंट कलर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकंड मेथड है हमारा शेडो मास्क. सेकंड है हमारा शेडो मास्क. शेडो मास्क में हम क्या करते हैं, शेडो मास्क में जो हमारे पास होता है वो हमारे पास जो यहाँ पे जो बीम जो हमारे पास गन होती है इलेक्ट्रॉन गन, वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन गन होती है. कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन गन. और यहाँ से ये लाइट इमिट होती हुई हमारी बीम इमिट होती है, यहाँ से हमारे पास एक हम मेटल की शीट लगा देते हैं, शीट होती है हमारे इसके बीच में, उसको हम शेडो मास्क कहते हैं. क्या कहते हैं, शेडो मास्क, शेडो मास्क कहते हैं. और फिर ये यहां से होती हुई हमारे पास फास्फोर की स्क्रीन है, 3 फास्फोर स्क्रीन बोलते हैं इसको, उस पे स्ट्राइक करती है और यहां पे हमारे पास जो पिक्सल होता है उस पे उसको ग्लो करवाती है. जो पिक्सल जो हमारे पास ये होता है ये 3 कलर से मिलके बना होता है. ठीक है, मतलब 3 पॉइंट से मिलके हमारा एक पिक्सल बनता है. और RGB हमारे पास एक एक पिक्सल के लिए एक कलर, एक पिक्सल R का होता है, एक G का होता है, एक ब्लू का होता है. तो इस तरह से हमारे पास जो शेडो मास्क की जो हमारे पास वर्किंग ऐसे होती है. तो ये 3 फास्फोर की स्क्रीन है, इस फास्फोर की जो हमारे पास वो स्क्रीन है. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये डॉट होता है ना, जो आर ग्रीन ब्लू के लिए हमारे 3 डॉट्स हैं, उनको हम ट्रेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और या फिर हम इनको डेल्टा कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, डेल्टा कह सकते हैं. तो इसको हम डेल्टा डेल्टा रूल भी कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं. तो हमारे पास 3 पिक्सल से मिलकर हमारा एक डेल्टा बन, हमारे पास 3 डेल्टा से मिलकर हमारा एक पिक्सल बनता है. तो इसमें जो हमने मोनोक्रोमेटिक CRT मॉनिटर पढ़ा था उसमें हमारे पास सिर्फ हमने एक ही गन ली थी और हमारे पास एक फास्फोर स्क्रीन थी. फिर हमने अपना बीम पेनिट्रेशन पढ़ा, उसमें हमारे पास जो फास्फोर की जो स्क्रीन ली थी हमने उसमें टू फास्फोर थे, एक रेड और एक ग्रीन. एक जो फास्फोर स्क्रीन थी वो रेड कलर के लिए थी और एक थी हमारे पास ग्रीन कलर के लिए. लेकिन जो हमने शेडो मास्क में पढ़ा है उसमें हमने 3 गन ली है, इलेक्ट्रॉन गन ली है, और हमारे पास जो फास्फोर स्क्रीन है वो 3 फास्फोर स्क्रीन है और उसमें हमारे पास 3 कलर से मिलकर हमारे पास एक पिक्सल बनता है. तो हमारे पास जो शेडो मास्क मेथड है वो बेस्ट है बीम पेनिट्रेशन से और मोनोक्रोमेटिक से. तो आज की वीडियो में इतना ही. मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. Thank you, friends.